हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुड मॉर्निंग। सो कैसे हैं आप सब? होप कि सब अच्छे होंगे। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम। मैं यहाँ पे कर रही हूँ किचन में तैयारी खाना बनाने की। सो सबसे पहले मैंने ग्वार की फली उबलने रख दी थी। चाय नाश्ता हमारा हो चुका था और उसके बाद यहाँ पर मैं लहसुन वगैरह कट करने लगी, क्योंकि लहसुन का तड़का ही लगाते हैं हम लोग ग्वार की फली में। तो बस वही मैं तैयारी करने में लगी पड़ी हूँ। और आज हम जाने वाले हैं कहीं बाहर मेला देखने के लिए शायद, तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। फर्स्ट टाइम में ऐसा हो रहा है कि मैं ब्लॉग पूरा बनाऊँगी सिर्फ मेले मेले का। तो बने रहिएगा वीडियो में, एंड तक देखते रहिएगा हमारा ब्लॉग। और जो भी चैनल पर नए हो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कॉमेंट शेयर करके बताएं कि कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि हमारा चैनल ग्रो कर पाए। तो यहाँ पे मैं लाल मिर्ची तोड़ के रख रही हूँ, क्योंकि लाल मिर्च और लहसुन का तड़का लगता है हींग जीरे के साथ। तो यहाँ पर ग्वार की फली बॉयल हो चुकी है अच्छे से। एक्स्ट्रा पानी जो है इसमें वो मैं हटा दूँगी और इनको निचोड़ के करछी से ही निकाल के रख लूँगी। उसके बाद हम लगाएंगे इसमें तड़का। सो बहुत ही सिंपल है इसकी रेसिपी, बस यही है, इसको बॉईल करना होता है नमक डाल के। उसके बाद लहसुन डाल दो सबसे पहले, क्योंकि इसको अच्छे से लाल करना होता है, नहीं तो ज़ीरा और लाल मिर्च ज़्यादा जल जाती हैं, इसलिए मैंने सबसे पहले वो डाला है। और यहाँ पर है हींग, ज़ीरा और हमारी लाल मिर्चें। सो इनको करने के बाद मैं बना लूँगी खाना और सुबह के सारे कामों से हो जाऊँगी फ्री। फिर उसके बाद देखते हैं क्या होगा। तो और फिर यहाँ पर हम लोग बैठे हुए थे, थोड़ा सा टाइम था तो रीवा के साथ एंजॉय कर रहे थे सब। ये रीवा डांस कर रही है। यहाँ पे मैंने जो ओरिजिनल वॉइस है वो हटा दी है, क्योंकि टीवी में सॉन्ग चल रहे थे वरना कॉपीराइट आ जाता, इस वजह से मैंने हटा दिया है। सब लोग बैठे हुए थे, भाभी भी हैं यहाँ पर, बच्चे भी हैं सामने, और बस ऐसे इंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग निकलेंगे मेले के लिए। सो आप लोग हमारे साथ चलो, हमारे यहाँ का मेला देखो और बताओ ज़रूर कि कैसा लगा। सो अभी निकल चुके हैं हम शाम के टाइम में, अंधेरा नहीं हुआ है, बस अभी थोड़ा सा टाइम है। 6 बजे गए थे हम लोग यहाँ से, आते टाइम तो अंधेरा ही हो जाएगा। सो अभी निकल रहे हैं, हमारे घर के 5 या 6 गली छोड़कर ही हमारी दशहरे वाली जगह है, ज़्यादा दूर भी नहीं, तो हम बाइक से ही सारे चले जाएंगे। उसके बाद जब वहाँ पहुँचेंगे तो अभी मेरे को छोड़ देंगे, उसके बाद वंश और प्राची को ले आएंगे फिर बाइक से। वो घर से निकल चुके हैं, फिर हम लोग सारे तो साथ में ही जाएंगे जैसे तैसे। और यहाँ पर मैं और प्राची बैठे हुए हैं, पीछे से वंश आ रहे हैं, ऐसे ही इंजॉय करते हुए निकल गए थे हम लोग। फिर वंश रुक गए क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कुत्ते थे। ये देखो प्राची हमारे पास आ चुकी है और फिर मेरे को छोड़ा, वंश को पकड़ के लिया है। ऐसे ही हमारा चलता रहा जल्दी जल्दी में, क्योंकि यहाँ पे कार लाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इतना जगह नहीं होती कि यहाँ पे कार पार्क करी जाए, बेकार ही होता है कार वगैरह लाना। और पैदल का भी रास्ता, वो तो बाइक ऐसी ले आती। हाय फ्रेंड, मेला जा रहे चप्पल लेन। अभी हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं और ये है बाहर से नज़ारा। काफ़ी बड़ा नहीं लगता है पर बहुत अच्छा है कि हमारे नियर बाय, अगर किसी को जाना हो तो अच्छी तरह से जा सकते हैं, क्योंकि हर जगह लोग दूर दूर तो जा नहीं पाते हैं, तो पास में जो लगता है वही अच्छा है। ये हमारा जिस लोकेशन में है वो यूपी का बॉर्डर लग जाता है हमारा, DLF लोनी की तरफ का। चलो रिंग। यहाँ पर हमारा खेलना स्टार्ट हो चुका है। हमने लिए थे 5-5 अटैम्प्ट, जो कि आज से पहले तो हमारा कभी कुछ नहीं आया, लेकिन इस बार तो ये मेरे हस्बैंड और ये वंश जो हैं वो इससे पहले भी 1-2 बार आ चुके हैं। एक जिसमें कि इनको 4 वाटर बोतल मिली थी फ्रिज में जो यूज़ करते हैं वो वाली, और उससे पहले भी आए थे तब इनको 1 पानी की बॉटल, मेरा मतलब नंद कलर का जो है कृष्णा वो आए थे। तू भी ले ले, तेरी भी तो फोटो हाथ हमने के लिए खींचे। हाँ प्राची दीदी, थोड़ा एंजॉय किया और आ गए अब हम झूला झूलने के लिए। वैसे हम कभी झूला झूलने की जिद नहीं करते, तो इस बार हमने इनको बोला कि हमें झूला झूला हो। थोड़ा डर भी लग रहा था और मुझे तो सच में डर लग रहा था। अभी आप आगे देखना, और प्राची तो बिल्कुल ही मरी जा रही थी सच में, देखना अभी कैसे परेशान करेंगी मुझे। मेरा हाथ दबा दबा के परेशान कर दिया था पूरे झूले में बैठने पर, और सबसे ज़्यादा जिद इन्होंने की थी कि मुझे झूला झूलना है, झूला झूलना है। Thank you.
राष्ट्रीय कसा लग रहा है, चल लग रहा है और ये जो झूले वाली क्लिप है वो थोड़ी सी आगे पीछे लग गई है मुझसे, तो ये है जो झूला वो सबको बैठा रहा था झूले वाला, तो उस टाइम की है। तो हमें ना बहुत टॉप मतलब बिल्कुल ही टॉप पर ला के छोड़ दिया और काफ़ी देर तक यहाँ पे बिठाए रखा क्योंकि उसके झूले में कोई बैठ ही नहीं रहा था कि उस टाइम तक काफ़ी देर। हम तो पैर भी सुखोड़े बैठे सामने चल तो यहाँ पर हम उतर के आ चुके हैं और काफ़ी चक्कर चक्कर से आ गए थे। मैं तो यहाँ पे हिली डुली सी निकल रही थी और उसके बाद जब निकले तो काफ़ी देर तक सर घूमता रहा क्योंकि मेरे को दो चार चक्कर ही घूमने थे, पर इसने बहुत देर तक झुलाता रहा। ये मैं यहाँ पर सर पकड़ के आ रही हूँ। प्राची का तो बाल वाल सब भी कर रहे थे और फिर हम निकल रहे थे तो देखे थे ये वाले टॉयस वगैरह लगा रखे थे, तो सोचा पहली बार आए हैं मतलब रीवा के उसमें पहली बार आए हैं तो एक छोटा सा टॉय ले चलते हैं। सुबह की यहाँ की क्वालिटी तो ज़्यादा अच्छी थी ही नहीं, फिर भी एक छोटा सा ले लिया उसके लिए। और रीवा को इसलिए नहीं लाई क्योंकि इतने ज़्यादा यहाँ पे भीड़ भाड़ थी, तो मम्मी ने भी मना किया और हम भी नहीं लेकर आए। सो यही था आज का व्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी दशहरा।